हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, और आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स भी बहुत खुश होंगे और वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम सीखेंगे पालक, जिसको इंग्लिश में स्पिनच बोलते हैं, हिंदी में पालक बोलते हैं, इसको कैसे उगाना है, कैसे इसको कल्टिवेट करें अपने खुद के घर में, क्योंकि खुद के घर में उगाया हुआ का जो टेस्ट होता है वो कुछ और ही होता है, क्योंकि मार्केट वाले इतने जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना हम घर पे उगाते हैं। तो देखिए, मैंने घर पे उगा रखा है, उस साइड का जो है मैंने अभी कट किया हुआ है, इसलिए वो काफ़ी जो है छोटा छोटा सा है। और ये देखिए, ये यहाँ वाला जो है काफ़ी छोटा है, और जो ये वाला है ये देखिए कितना मोटे मोटे इसके थिक लीव्स हो रहे हैं इतने। ये देखिए, ये पालक ग्रो हो रहा है, और यहाँ से तो मैंने एक बार पूरे को कट किया था और ये वापस से इतना उग गया है। तो आज हम सीखेंगे इसको उगाना। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा जल्दी उगाते हैं अक्टूबर के महीने में, बट अभी उगाएंगे तो भी हो जाएगा हमारा पालक। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है और रेड कलर में, उस पर क्लिक कर लीजिए, और उसको दबाने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरे हर वीडियो देख पाएँ, और उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इतनी जगह पे तो पालक उगा लिया है और ये सफिशियंट है, बट मेरे को वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा और उगाने की स्पेस थी, तो यहाँ पे देखिए इतनी सी जगह मैंने और बना ली है। इधर काफ़ी मिट्टी है मेरे, तो ये देखिए इधर धनिया डाला हुआ है अभी, धनिया इतना निकला नहीं, पता नहीं, एक तो ना मैंने जैसे धनिया डाला है वैसे वो चींटियाँ ले गई बीज तो सारे, क्यों धनिया तो खा जाती हैं चींटियाँ फटाफट, तो थोड़ा थोड़ा निकला है अभी, मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा। ये बीच में एक दो मूली है और ये पालक लगा रखा है, देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पालक लगाने के लिए हमें चाहिए सीड्स ही। देखिए सीड्स हैं पालक के, ये देखिए पालक लिखे हुए, और ये हाइब्रिड सीड्स ऐसे लिखे हुए होते हैं। देखिए पैकेट मैंने खोला हुआ है, काफ़ी खाली हो गया है क्योंकि मैंने इसको इसी से उगाया है, ये आपको बहुत इजीली किसी भी एग्रीकल्चर शॉप, तो हमारे बहुत होती हैं, इन पर मिल जाता है बहुत आराम से, ये चाहिए। तो चलिए पहले हम मिट्टी प्रिपेयर करेंगे कि कैसे हमें मिट्टी चाहिए इस पालक को उगाने के लिए, जो मैंने इसके लिए प्रिपेयर की थी। तो देखिए अब कितना अच्छा जो है ये पालक जो है ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले मिट्टी तो हम नॉर्मल मिट्टी तो चाहिए, मैं ज़मीन में लगा रहा हूँ इसलिए मेरे को मिट्टी थोड़ी सी मिक्सअप यहीं पर करनी पड़ेगी। सबसे पहले चाहिए हमें नॉर्मल मिट्टी, उसके बाद जो चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए ये वाली काउडंग मेन्योर, ये देखिए ये गोबर की खाद है, बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज्ड। और ये देखिए ये हमें चाहिए, इससे क्या होता है नाइट्रोजन मिलती है, गोबर की खाद सबसे अच्छी रहती है। जब भी हम कुछ पालक धनिया वगैरह ऐसा कुछ उगाना होता है तो गोबर की खाद सबसे अच्छी रहती है। और एक होता है मैजिकल फर्टिलाइजर, जिसको जस्ट हम जादू ही बोल सकते हैं, वो रातों रात ऐसे पालक को ऐसे बड़ा बड़ा कर देता है, वो होता है हमारा यूरिया। फ्रेंड्स, यूरिया ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूरिया हार्मफुल रहता है हमारे लिए भी उससे, बट कम यूरिया बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहता है। जब वो वाटर के साथ अगर हम उसको उस यूरिया से उगी हुई सब्जियों खाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यूरिया हार्मफुल होता है, बट मैंने पहले चेक करा है, फ्री में यूरिया यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा यूरिया, महीने में एक दो बार आप यूरिया डालें, वो एक जादुई फर्टिलाइज़र होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये यूरिया, और ये प्लास्टिक की थैली में जो है ये देखिए इस तरह का वाइट वाइट से जो है क्रिस्टल्स होते हैं, ये देखिए, और इनको जो हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूरिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। ये देखिए जैसे इतनी सी जगह इसमें हम इतना इतना सा डालेंगे बस, ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि भर भर के आपने यूरिया डाल दिया उससे फिर आपका पालक जो है जल जाएगा, ऐसे हल्का हल्का यूरिया को आप मिक्सअप कर दें मिट्टी के साथ, यूरिया नहीं है तो यूरिया जो है, अगर आप काउडंग मेन्योर आपके पास नहीं है तो यूरिया सिर्फ डालेंगे तो वो भी चल जाएगा। यूरिया काफ़ी हद तक जो है नाइट्रोजन जो है प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और एक चीज़, जब हमने मिट्टी प्रिपेयर कर ली है, यूरिया डालने का, तो एक बार इसको अच्छे से पानी दे दें, क्योंकि ये यूरिया क्या है ना कि ये यूरिया को जब भी आप ऐसे में उगे हुए में डालता हूँ तो यूरिया देने के बाद हमेशा पानी देना होता है, ताकि ये जो यूरिया के जो क्रिस्टल्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएं,
ऐसा नहीं कि आपने यूरिया डालने के बाद जो है सूखी मिट्टी छोड़ दी, उससे क्या होगा, उगे हुए में भी जो है ये यूरिया गर्मी करके यूरिया प्लांट्स को हमारे जला देता है। तो पानी एक बार ज़रूर देना है, ताकि यूरिया ना पानी देते ही डिजोल्व होता है मिट्टी में, ये आप खुद ही देखेंगे, यूरिया पानी से ना ऐसे बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा। अब जो है हम सीडलिंग करते हैं। सीडलिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके होते हैं, एक होता है स्कैटरिंग, बीजों को लेके आप ऐसे बिखेर दें, उसको मिट्टी से कवर कर दें। एक होता है लाइन बना बना के आप उसमें डालना, वो थोड़ा टाइम वेस्टिंग होता है और थोड़ा वो लाइन लाइन से उग जाता है पालक, इसलिए मैं तो स्कैटरिंग ही करना पसंद करता हूँ। टाइम भी बचता है और ईजी भी रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और पालक में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता। हाँ थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हो जाता है कि ऐसे कहीं ज़्यादा कम ऐसे नहीं होता है, बट मेरे को तो अब ऐसे मैं खुद ही हाथ से इतना देख के डाल लेंगे हम। तो ये बीज मैं इनको हाथ में निकालता हूँ, फिर दिखा। तो ये देखिए, ये होते हैं ये पालक के कुछ इस तरह के बीज, और इनको जो है आपने जस्ट इस तरह से स्कैटर कर देना, और ऐसा नहीं कि कुछ पास पास डाल दिए आपने बहुत ज़्यादा। ये देखिए इतने इतने गैप में मैंने डाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने इनको क्लोज डाल दिया है, थोड़ा दूर 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 आपने डालना है, ताकि ये जब बड़े हों तो इन सबको जो है अच्छे से फर्टिलाइज जो है न्यूट्रिशन मिले, वरना एक साथ जो है बहुत ज़्यादा आपने बीज नहीं डालने, उससे क्या होगा कि प्लांट कोई भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि सब जो है फाइट करेंगे। जैसे आजकल हमारे वर्ल्ड में कंपटीशन हो गया, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है इसलिए कंपटीशन हो गया, वैसे इनमें भी जो है अगर आप ज़्यादा बीज डालेंगे तो ये कंपटीशन हो जाएगा, इनमें फाइट करेंगे ये, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बीज डालने। और ये जो है पालक तो 3-4 दिनों में ही जो है निकल आता है, और बस आप महीने में एक बार, जस्ट एक बार जो है यूरिया दे दें। यूरिया बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स जैसे पालक धनिया के लिए, काफ़ी नाइट्रोजन मिलता है, भले ही काउ डंग मैन्योर कुछ मत डालिए, बस यूरिया अगर आप दे सकते हैं तो महीने में एक बार ज़रूर दे दें। और ये, और एक इसका जो है ध्यान रखना होता है, ये चिड़िया खा जाती है, हमें पता नहीं लगता। हम जैसे अगर उगा के अगर हम कहीं वर्क वगैरह पे जाते हैं तो उससे क्या होता है, चिड़िया पीछे से खा के चली आएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मुझे तो जो है ये किसी ऐसे मच्छरदानी से या फिर किसी चुन्नी से कवर कर जाएं, ताकि आपको इतना ध्यान रहे कि चिड़िया खा नहीं रही है, वरना जो इतना छोटा छोटा निकल जाता है ना, उसको चिड़िया खा जाती है, फिर आपको लगेगा मन निकला नहीं है, बट वो निकल जाता है, फिर चिड़िया खा जाती है। और एक बार छोटे से को अगर खा जाए तो अगर मेन पत्ता ही नहीं निकलेगा तो फिर पूरा जो है प्लांट आपका नहीं बन पाएगा, इसलिए बस चिड़िया का भी आपने जो है ध्यान रखना होता है। और उसमें बस ऐसे सीडलिंग करने याद हल्का हल्का पानी दे दें, और ज़्यादा पानी से भरना नहीं है वरना आपके सीड्स बह जाएंगे मिट्टी में। हल्का हल्का जो है आप पानी देते रहें, और बस आप महीने में एक बार, बस महीने में या फिर 2 हफ्तों में एक बार आप ऐसे इसमें यूरिया डालते रहें, तो देखिए मेरे जितना भी आपका अच्छा पालक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पालक उगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, आप आराम से उगाइए और खुद का पालक खुद खाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।